ये लो जो शुरू होने लगे। मैं शुरू करूंगा। अच्छा जी, कोई नहीं, इतना एक आध मिनट के बोल सकते। इसकी मीटिंग एडमिट करनी है, एडमिट वाली है ये। हाँ वही किया हुआ पहले। ठीक है बोलो। इसका पेज लेना है। मुझे नहीं लग रहा अभी टाइम हुआ था, स्टूडेंट्स तो नहीं आ रहे। सलमान दिस इज अजान अली। मैम वालेकुम अस्सलाम। दिस इज मोहम्मद अजान अली। यस ओके। एंड सलमान शाहिद इज आल्सो इन द क्लास। सलमान शाहिद, मोहम्मद हमजा कासिम, मोहम्मद हमजा कासिम। The students ready your notebooks for next questions. Today we will do two questions, question number 5 and question number 6. Tanya. Yes, students, start writing question number 5. Write the names of some special cells and also write about their special jobs. स्टार्ट करो या नो नो बेटा प्रिपेयर नेक्स्ट पेज। दिस इज रोहान खालिद। आई हैव फॉर दिस टॉपिक जस्ट वेट बेटा। टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। रोहान खालिद is in the class. This is Muhammad Rohan or Rohan Khalid? It's the same student? Yeah. Yes. Yes. Rohan Khalid. Rohan Khalid. Fazan Ahmad. Ahmad Ali. Ahmad Ali is now has entered in the class. And
अहमद अली अहमद अली बेटा आपका फुल नेम क्या है? अहमद अली सुल्तान? यस अहमद अली व्हाट्स योर फुल नेम? ओके फरहान इज एब्सेंट टुडे स्टूडेंट्स फरहान इज एब्सेंट नो आई एम ही इज लेट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जी स्टूडेंट्स राइट डाउन द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 एंड द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ टिश्यूज Write the. You can see the screen, all of you. Yes. Yes, okay. Ma'am. The question has been written on the screen. Write down. Write the names of some special cells, and also write about their jobs. Special jobs. Their special jobs. Yes. As you know, students, there are different types of cells. In your body, yes. different types of tissues. Sorry, give types of cells. आप करो क्योंकि cells के बारे में करोगे ना आप types of cells. The topic is types of cells. Okay. Students, आप आपकी body में your body is made up of different types of cells. कुछ आइडिया है कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं आपकी बॉडी में हैव यू एनी आइडिया व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन योर बॉडी सेलियल सेल्स पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी यस नो पोलन ग्रेन्स आर प्लांट सेल्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनी एनिमल और मिस रेड ब्लड सेल्स यस पोलन ग्रेन्स आर स्पेशली इन They are in the plant bodies. Okay, the first name of the special type of cells which are present in your body is your nerve cells. Nerve cells. Nerve means they are present in your nervous system. And where your nervous system is present? In your brain. Yes, students? Yes. So all the cells which are present in your nervous system, it means in your brain, are known as nerve cells. Did you get the point, students, or not? We have to give the heading of nerve cells. Firstly, एक ही question करना. No, two. Yes, first you will give the heading of nerve cells. हमने सभी हमने पहले समझना नहीं इसका. जी बी बेटा मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ फरहान आई हैव स्टार्टेड माय लेक्चर यू आर लेट इन द क्लास मैम मुझे लगा कि 20 मिनट की ब्रेक है तो ना वो ओके स्टूडेंट्स दीज आर द नर्व सेल्स वेयर माय माउस इज मूविंग दीज आर द नर्व सेल्स देखिए इनकी शेप कैसी है दे आर वेरी डिफरेंट आपने व्हेन यू स्टार्ट योर चैप्टर यू स्टडी अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वो तो बिल्कुल सिंपल सा था है ना बट दिस इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दिस सेल इज नर्व सेल विच इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन्स आपके ब्रेन में पाए जाते हैं ये सेल्स एंड देयर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर ब्रेन आपका ब्रेन क्या काम करता है इस बॉडी को कंट्रोल करता है वेरी गुड ब्रेन कंट्रोल्स योर बॉडी ऑल द एक्टिविटीज विच यू परफॉर्म इन द होल डे इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन तो ब्रेन के अंदर जो सेल्स काम कर रहे हैं ब्रेन के अंदर उसके बहुत सारे वर्कर्स हैं जो उसके लिए काम करते हैं उन वर्कर्स का नाम है नर्व सेल्स ठीक है ओके दे हैव लॉन्ग थिन फाइबर्स फाइबर्स मीन थ्रेड्स दे हैव लॉन्ग थिन फाइबर्स फाइबर्स का क्या मतलब बताया मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर यस अहमद अली कैन यू रिपीट व्हाट इज अ नर्व सेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल मुझे कुछ समझ नहीं आया
Nerve cells have long thin fibers which carry messages from one part of the body to another. Yes. Okay. This is the nerve cell. ठीक है? You will write the full line. First line, बेटा question आप note down करो. And this question is starting from here. Now you give the heading of nerve cells and write down the full. These 2.5 lines regarding nerve cells. Okay, जी next पे आ जाइए. Next cells are epithelial cells. Here, you will give the heading of epithelial cells. Okay, what is the meaning of epithelial? Epi means above. Epi का क्या मतलब होता है above? Above. Thelial cells means सेल्स की पूरी एक लेयर है हमारी बॉडी में. आपको पता है बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है? उन सेल्स के ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, तमाम सेल्स के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, दैट इज नोन एज एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, यू कैन सी इट्स फिगर ओवर हियर. आपकी जो स्किन होती है, आपकी बॉडी पे जो स्किन है, स्किन इज द एपिथेलियल सेल्स. इसी तरह से आपकी बॉडी में जो स्टमक है, स्टमक इन योर बॉडी, हार्ट इन योर बॉडी, लिवर, लंग्स, एवरी ऑर्गन हैज इज कवर्ड इन अ स्पेशल सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स नोन एज एपिथेलियल सेल्स. ओके फरहान बेटा, यू रीड दीज लाइंस काइंडली, यू रीड दीज लाइंस. हरी आप मैम एपिथेलियल वाली. यस. Epithelial cells are thin and flat. They are found in layers covering surfaces such as the skin, lining of the blood vessels, and the elementary canal. These cells help in protection and absorption. जी, जैसा मैंने पहले आपको बताया, आपकी स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं, that are known as epithelial cells. इसके अलावा आपके ब्लड वेसल्स आर योर आर्टरीज एंड वेन्स. आपके बॉडी के अंदर जिन ट्यूब्स में ब्लड रन कर रहा है, दैट इज नोन एज ब्लड वेसल्स. व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? हु विल टेल मी अबाउट एलिमेंट्री कैनाल? एनीबॉडी कैन हैव एन आइडिया? नो. दानियाल हैदर? नो. मोहम्मद हमजा कासिम, डिड यू नो अबाउट एलिमेंट्री कैनाल? No one knows about elementary canal. Students, आप जिसमें खाना travel करता है. शाबाश. The system in which your full digestive system is known as elementary canal. आपका जितना भी body में digestive system पड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाएंगी. आपका mouth, आपका food pipe, your stomach, your small intestine, large intestine, all these includes elementary canal. ठीक है, तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये यहाँ यहाँ पाए जाते हैं और ये कवरिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं. और इसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन, इसमें बहुत सी चीजें एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं. ठीक हो गया. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. गिव द हेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स. मिसिंग के पूरे पूरे पैराग्राफ लिखना है. यस, फुल पैराग्राफ. पॉलन हैदर. Yes, pollen grains भी, full paragraph. Miss, एक question. Last वाले का इतना नहीं हो सकता, थोड़ा सा दो लाइन. How many questions will we do today? We will do 2 questions today. Hamza, Peter, don't draw lines. Hamza, what are you drawing? Ma'am, okay. Where pollen grains are present, students? Where pollen grains are present? You have learned about the structure of a flower. Have you learned? In your previous classes? मैं शायद किया है लेकिन अब भूल गया. Yes, वो जो उनसे soft से होते हैं. बेटा, वो जो बिल्कुल flower के ऊपर होते हैं, sunflower पे भी होते हैं, उनसे stick क्या आते हैं? Pollen grains are the male part. Pollen grains are the male sex cells of the flower. ठीक है? ये male sex cells हैं. Pollen grains. जी, रीड कीजिए, रीड करें पॉलन ग्रेन्स को. हैव अ स्पाइकी सरफेस टू हेल्प देम स्टिक टू द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स. द अदर्स हैव टाइनी विंग्स टू एनेबल
them to be carried by the wind. Both adaptations help in pollination. Yes. Ab aap dekho, what is its shape? Its shape is just like spikes. आप यू कैन सी इट्स अ राउंड स्ट्रक्चर विद स्पाइक्स ऑन इट. जैसे आप अपने बालों के स्पाइक्स बनाते हो ना स्टूडेंट्स, हेयर स्टाइल बनाते हो स्पाइक्स वाला, वैसे ही देखो स्पाइक्स बने हुए इसके ऊपर, इसलिए ताकि मेरे भी बने हुए. आपके तो बाल ही नहीं है भाई. ओके, तो इन स्पाइक्स का फायदा क्या होता है कि पॉलन रेज जब हवा में उड़ते हैं ना किसी फ्लावर से हटके, मतलब वहां से जब निकलते हैं वो, तो फ्लाई करते करते दे कैन सेटल डाउन ऑन अनदर फ्लावर. तो किसी और फ्लावर के ऊपर चिपकने के लिए, स्टिक करने के लिए दे नीड स्पाइक्स. और इस तरह से दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ जाते हैं. करते हैं जी, बिल्कुल बालों पे भी चिपक जाते हैं. किसी भी चीज के ऊपर जाएंगे तो उस पर चिपक जाएंगे ड्यू टू दी स्पाइक्स. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू पॉलिनेट द फ्लावर. फ्लावर के अंदर आपको पता है मेल सेक्स सेल्स भी होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स भी होते हैं. तो ये जो मेल सेक्स सेल्स हैं, दे पॉलिनेट द फीमेल सेक्स, मतलब एग को वो पॉलिनेट कर देते हैं और उसकी वजह से नया प्लांट उग जाता है टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ. फरहान, ओके बेटा, यू हैव योर बुक्स विद यू? यस बुक्स बेटा. इसपे बेटा एक्चुअली स्कैनिंग में ना लास्ट पॉइंट नहीं आ सका, सो प्लीज ओपन अप योर बुक्स एज वेल. लास्ट पॉइंट विल बी टेकन फ्रॉम देयर. एम रेड ब्लड सेल्स. यस. रोहान खालिद, आर यू देयर इन द क्लास नाउ? मामा उसने लीव कर दिया. नहीं, रोहान खालिद, आई कैन शो हिम, आई कैन सी हिम इन द क्लास. मोहम्मद हमजा, वो पहले उसने कर दिया था ना, मुझे लगा कि फिर वो दोबारा आया नहीं. मोहम्मद हमजा बेटा, रीड दिस लास्ट पॉइंट, रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम बुक, ऑल पेज नंबर. फरहान बेटा, टेल हिम पेज नंबर 21, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. मैम, व्हाट इज क्वेश्चन? Red blood cells carry oxygen round the body. They have a large surface area to pick up loads of oxygen. Red blood cells, बेटा आपकी body में, जो आपकी body में blood होता है ना, पता है ना आप सबको, you have blood in your body. तो ये जो red blood cells हैं, they are present in your blood. ठीक है? और इनका काम क्या है? इनका काम क्या है कि आप जितना भी ऑक्सीजन इनहेल करते हो ना, ये उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एनर्जी. और इसी वजह से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. अगर बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, इफ यू डोंट हैव रेड ब्लड सेल्स इन योर ब्लड, यू कैन नॉट गेट एनर्जी, और आप उससे बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे और योर बॉडी सिस्टम्स विल स्टक. आपके बॉडी सिस्टम्स भी फिर खत्म हो जाएंगे सारे. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन योर ब्लड. Farhan, you can see the question written on the screen. Write the names of some special cells and also write about their special jobs. Students, वो landscape mode में वो नजर नहीं आते ना? अभी नहीं नजर आ रहा आपको question? You can't see the question. अब आ रहा है. लेकिन जब मैं landscape mode में phone को करता हूँ ना, तो तब वो. But आप इसको देख लो. Okay, students. Ahmed Ali, what are these cells? What are these cells on which my pointer is moving? Nerve cells. Nerve cells. You have to draw, all of you, you have to draw these cells as well. Okay, Farhan, what are these? What are these types of cells, Farhan, Khalid? Epithelial cells. Epithelial cells. Epithelial cells. Okay, ma'am. Epithelial cells. These are the protective cells which are present on the skin or on the upper side of the organ. Okay, Azan Ali. Azan Ali, yes. what is this type of cells? What's its name? Pollen grains. Pollen grains. Where they are present? Where they are present, Azan? Ma'am, they are present in the wind. No, my wind mein to hote hain, but kahan se aa jate hain wo? They come from flowers. जब हवा चलती है ना तेज, तो
फ्लावर्स पर से ये पोलन ग्रेन्स उड़कर, क्योंकि दे आर वेरी लाइट इन वेट, इतने हल्के होते हैं कि फ्लावर्स से उड़कर हवा में आ जाते हैं और वहां से फिर फ्लो करते करते, फ्लाई करते करते दूसरे प्लांट्स के ऊपर गिर जाते हैं. गेट दैट? तो क्या होता है जी दानियल? वो गिरते हैं तो क्या करते हैं बेटा? पॉलिनेट कर देते, ये दूसरे फ्लावर के साथ स्टिक करते हैं और फिर एक नया प्लांट उगाते हैं, एक नया प्लांट उगता है. पोलन ग्रेन का ही जी, पोलन ग्रेन की हेल्प से ही तो नया पौधा बनता है. ठीक है, जो सीड होता बेसिकली, यस बेसिकली जब ये फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है ना, तो उसके अंदर जो एग होता है इट चेंजेस इनटू सीड, एग जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. आपने नोटिस किया स्टूडेंट्स, प्लांट के ऊपर जहां जहां सीड को किसी इंसान को बोना पड़ता है या खुद ही बो देता है वो दूसरा वाला प्लांट? जी बिल्कुल, मैं यही बताने लगी हूँ आपको. देन फ्लावर बिकम फ्रूट, जब पॉलिनेशन हो जाती है ना, ये स्टेप हो जाता है, तो फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट. आप नोटिस करो, अगर किसी के घर में कोई ऐसा प्लांट लगा हुआ है जिसपे फल भी लगता है, आप नोटिस करो जहाँ फल लगता है वहां पे पहले फूल था. ठीक है, तो फूल ही पॉलिनेट होकर फल में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में. फ्रूट हम खा लेते हैं और उसका, हाँ जी बिल्कुल, लेमन भी ऐसी है, जहां जहां लेमन लगता है आप चेक करो वहां पे पहले फ्लावर होता है. फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट, और फ्रूट को जब हम यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके सीड्स जो है हम जमीन में दबा दें, तो उससे एक नया प्लांट दोबारा से ग्रो करता है. सो दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ प्लांट साइकिल, लाइफ साइकिल. ओके दानियाल, आर यू देयर इन द क्लास? ओके, विच टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड? विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड? Red blood cells. Red blood cells. Very good. What is the function of red blood cell? What is the function? They give us energy. Very good. They give us energy by the help of which gas? कौन सी gas absorb करते हैं तो energy मिलती है? Oxygen. Very good. Very good. Very good. Okay, just students, move on to the next question. Have you done this question? No. बेटा पेज की स्कैनिंग की है ना मैंने, वहीं से स्कैन करके उसको स्ट्रेच किया हुआ है. But you can see from your book, ये तो आपके hint के लिए होता है, just it's for your hint. Okay ma'am. For your reference. Okay, the question number 6 is, what is the difference between tissue, organ, organ system and organism? क्या? अभी बताती हूँ बेटा. Write down the question, then I will explain one by one. अच्छा जी स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 स्टूडेंट्स टुडे इन माय क्लास. जी स्टूडेंट्स, मुझे एक मिनट जरा मैं अटेंडेंस दोबारा से कंफर्म कर लूं. सलमान शाहिद, अजान अली इज प्रेजेंट, देन दानियाल, फरहान अहमद इज प्रेजेंट, सलमान शाहिद, अहमद अली सुल्तान, मोहम्मद. बेटा ये रोहान खालिद कौन है? मोहम्मद रोहान का नाम रोहान खालिद है? यस मैम. ओके ओके, रोहान खालिद, देन मोहम्मद हमजा कासिम, फैजान अली, अब्दुल्ला अहमद रुहेल. तो अब्दुल्ला अहमद रुहेल तो क्लास में नहीं है ना, kindly check the list. अब्दुल्ला अहमद रुहेल ठीक हो गया, अब्दुल्ला अहमद रुहेल इज नो, ही इजंट. ओके ओके जी स्टूडेंट्स, यू हैव, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स. स्टूडेंट्स kindly listen carefully, stop writing Farhan जी. अब आपने सेल के बारे में तो पढ़ लिया कि सेल इज अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म.
अब आपको मैं बताऊं, जो सेल्स होते हैं ना जिनके बारे में आप स्टडी करते रहे हो, जब एक जैसे बहुत से सेल्स कंबाइन हो जाते हैं दे मेक अ टिश्यू, क्लियर? एक पूरा एक सीक्वेंस देखें चलेगा यहाँ पे, पूरा एक सीक्वेंस आप देखोगे, व्हेन मेनी सेम काइंड ऑफ सेल्स एंड दे डू द सेम जॉब, व्हेन दे कम टुगेदर एंड मेक अ ग्रुप दे कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, टिश्यू कब बनता है? टिश्यू कब बनता है? जब बहुत सारे एक ही तरह के सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं एंड दे मेक अ ग्रुप. तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम जॉब, उसको टिश्यू बोलोगे. ठीक है, देन टिश्यूज जब बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं और एक ही जगह पर रहकर काम करते हैं मिलकर, दे फॉर्म एन ऑर्गन, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन मीन्स आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं दे आर ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक इज एन ऑर्गन. ठीक है, स्टमक इज एन ऑर्गन, योर हार्ट इज एन ऑर्गन, लंग्स इज एन ऑर्गन. तो ऑर्गन कब बनता है? जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे मिलके काम करना शुरू कर दे तो ऑर्गन बना देते हैं. गेट दैट स्टूडेंट्स? यस. और जब बहुत सारे ऑर्गन्स कलेक्टिवली मिलकर काम करते हैं तो दे मेक एन ऑर्गन सिस्टम. अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं. ठीक है दानियाल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस जी. व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया? ये कब बनेगा ऑर्गन सिस्टम? जब ज्यादा से ज्यादा मसल साथ काम करें. नो, डोंट ब्रेक द सीक्वेंस स्टूडेंट्स. सेल्स जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं वो बनाते हैं टिश्यू, जब टिश्यूज बहुत सारे कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बहुत सारे कंबाइन होंगे दे बनाए, देन दे मेक ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, अब देखो ना, स्टमक इज एन ऑर्गन, अकेला तो स्टमक एक ऑर्गन है, लेकिन स्टमक के साथ अगर मैं पीछे से फूड पाइप अटैच कर दूं, फूड पाइप इज एन ऑर्गन, फूड पाइप के साथ ऊपर माउथ है जिसमें खाना जाता है शुरू में, उसके बाद स्टमक के आगे आप देखो देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक के आगे और भी बहुत सी ट्यूब्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये सारे ऑर्गन्स इकट्ठे जब मिलकर काम करना शुरू करेंगे दे मेक एन ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, और व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म होगा जब एक पूरी बॉडी बन जाएगी किसी भी प्लांट की या एनिमल की या ह्यूमन बींग. ओके, नाउ रीड, start reading this question. Starting from here. Yes, Daniel. Yes. Daniel, beta, you read. After Daniel, Ahmed Ali will read. Yes, Daniel, start reading. Cell tissues and organs. Cell divide and grow to make more cells like them. A group of similar cells doing the same job is called a tissue. Muscle yes. tissue is Just better stop, Daniel. Students, first of all, you will give the heading. पहले तो एक line लिख लो ये वाली ऊपर से. कौन सी line? Just first one line है वो आप simple as it is लिख लोगे. Tissue की then you will give the heading of tissue. ठीक है? You will give इसको understand कर ले how to write it this question. मुझे एक बार दोबारा बताइए ना. दोबारा मैं बताती हूँ आपको, दोबारा बताती हूँ, जस्ट वेट. फर्स्ट लाइन तो आप एज इट इज लिखोगे विदाउट एनी हेडिंग, कोई हेडिंग नहीं आएगी, ये लाइन आप सिंपल ले लो. सेल से लेके देम तक. यस, देम तक. देन यू विल गिव द हेडिंग ऑफ टिश्यू. ठीक है, या ऐसा करो यहाँ पे सेल की हेडिंग भी दे दो, ऐसा कर लें. फर्स्ट यू गिव द हेडिंग ऑफ सेल. मैंने अब लिख लिया है. चलिए ऊपर सेल को आप हाईलाइट कर लो विद पॉइंटर ताकि आपको पता हो कि दिस इज अ सेल. देन गिव द हेडिंग ऑफ टिश्यू. टिश्यू की हेडिंग दे और टिश्यू के अंदर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे. अ ग्रुप से लेके टिश्यू तक. यस, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब. अब टिश्यू की हेडिंग वो क्या बन गई डेफिनेशन? ऐसे सेल्स का पूरा ग्रुप जो कि एक जैसे हो और काम भी एक जैसा कर रहे हो वो टिश्यू कहलाते हैं. वेरी गुड. हु राइट द सेल ओवर हियर? वेरी गुड. ओके जी, टिश्यू के बाद यू विल गिव द हेडिंग ऑफ एन ऑर्गन. यू विल गिव द हेडिंग ऑफ एन ऑर्गन. और ऑर्गन के लिए आप देखो मसल टिश्यू का नहीं लिखना.
बताते हैं ना बेटा आपको, पहले ऑर्गन की हेडिंग दे दो आप पहले। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन आएगी, देखें, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। ये छोड़ देंगे मसल टिश्यू को, आप छोड़ दो फरहान, मैंने थोड़ा शॉर्ट किया ये क्वेश्चन। मसल टिश्यू ऑर्गन तक ही है, मिसपस ऑर्गन तक ही है। नो नो, ऑर्गन को भी और लेंगे। ऑर्गन की हेडिंग देने के बाद यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर द स्टमक। ये देखो एग्जांपल आ गई, द स्टमक इज एन ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। इन द स्टमक से शुरू करना है? नो नो, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू मेक ऑर्गन। स्टमक इज एन ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड, यहाँ तक। बस इतना ही जी। नहीं अभी तो आपको, अभी मैंने कितना काम करवाया है, सेल अभी किया आपने, देन यू राइट द टिश्यू। टिश्यू के आगे स्टूडेंट्स यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिलेंगी, नीचे से एग्जांपल देखिए। टिश्यूज की कहाँ से लोगे? टिश्यू की हेडिंग दे के क्या कर लें? आफ्टर गिविंग टिश्यूज हेडिंग गिव इट्स डेफिनेशन ना, जो ऊपर दी गई है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड अ टिश्यू। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल आएगी ना, टिश्यू की एग्जाम्पल आएगी। दानियल यहाँ पे लिख दो ईजी। यहाँ पे ईजी लिख दें, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पर। एग्जाम्पल आपको कहाँ से मिलेगी टिश्यू की? ये नीचे दी गई है एग्जाम्पल्स। मसल टिश्यूज, नर्व टिश्यूज एंड ब्लड टिश्यूज आर सम जस्ट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यहाँ तक। अच्छा, और मिस ऑर्गन का एग्जांपल, अच्छा वो तो हो गई है। सेल्स की एग्जांपल, सेल्स को भी हमने अलग से क्वेश्चन कर लिया, उसको आप छोड़ दो, उसकी एग्जांपल नहीं है आपकी फिलहाल यहाँ बुक में नहीं है। ओके मैम, चले आगे आगे चलते हैं। इस बार इतना नहीं होना आज? नहीं बेटा, थोड़ा सा भी रहता है ना, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम रह गया। ऑर्गन तो कर लिया, ऑर्गन सिस्टम रहता है अभी। नाउ गिव द हेडिंग ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन बेटा, ये ऑर्गन की हेडिंग तो ये आ जाएगी, और यहाँ से स्टार्ट करोगे, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से लेके डेफिनेशन लो, फिर एग्जांपल में एक स्टमक वाली लाइन आ जाएगी, फूड तक। ऑर्गन कहाँ से कहाँ तक है बेटा? डिफरेंट टिश्यूज से लेकर फूड तक। देन मूव ऑन टू द फोर्थ वन, ऑर्गन सिस्टम की हेडिंग दोगे आप। उसके बाद give the heading of organ system. जी क्या बोल रहे हैं? organ heading आ तक है बेटा, different tissues से लेकर, यहाँ से लेकर। किसी ने marker point भी किया हुआ, फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा। students be careful. okay जी, organ system पे आइए आप। organ system कहाँ से शुरू हो रहा है? organs work together to form organ system. organ system carry out much larger jobs than a single organ able to do, yahan tak. miss cells ka leke dam do tab miss cells ka cell leke dam to cell ki to single line hai ahmed ali, cell ki to upar se single line hi thi na, wo to khatam ho gaya kahan. organ system yahan se yahan tak likhoge, then इसकी एग्जाम्पल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, उन्होंने एग्जाम्पल दी गई है। जस्ट आप एग्जाम्पल में डाइजेस्टिव सिस्टम लिख दो, बस डिटेल देने की जरूरत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इट्स एग्जाम्पल। सेल की रेड ब्लड सेल दे दें? हाँ दे दें, इट्स अप टू यू। आप दे सकते हो नर्व सेल्स, दे सकते हो रेड ब्लड सेल्स, दे दो एपिथेलियल सेल, कुछ भी दे दो, ठीक है। वेरी गुड अहमद, तो एग्जांपल भी याद थी। अच्छा जी, जो ब्लड टिश्यू होता है वो रेड ब्लड सेल से बना होता है? बिल्कुल, जो ब्लड टिश्यू होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स, देखो टिश्यू मैंने आपसे कहा इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उसमें रेड ब्लड सेल्स जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ब्लड टिश्यू बनाएंगे। लेकिन ब्लड में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं बेटा, उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ब्लड का जो पूरा स्ट्रक्चर, केमिकल जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें तीन चार चीजें मिक्स होती हैं। इट्स नॉट ओनली रेड ब्लड सेल, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं। जी ऑर्गन
नहीं है क्या नहीं है हेडिंग क्या देनी है यहाँ पे ऑर्गन की जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ रही है उसकी हेडिंग आ जाएगी दिस इज द हेडिंग तो मैंने किया हुआ है मिस मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखें कंटेंट नजर आ रहा है यस देख रही हूँ फरहान ब्लू वाला जी ऑर्गन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है और उसकी ये एग्जांपल आ गई डाइजेस्टिव सिस्टम और भी देखिए नीचे एग्जांपल दी गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी आप जस्ट इनके नाम लिखें डॉट हु इज ड्राइंग दिस मैम कोई लाइन लगा रहा है मैं देखती हूँ कौन लाइन लगा रहा है हु इज ड्राइंग द लाइंस अब्दुल्ला अब्दुल्ला डोंट डू दिस ओके गिव द लास्ट हेडिंग ऑर्गेनिज्म This is the last point, students. Organism. Organism कहाँ से आ रहा है? Organs together make up an organism. And ये यहाँ से पूरा आ जाएगा. An organism is something that is able to survive on its own. यहाँ तक. Miss मतलब अगर किसी का organism हम लोग यहाँ कोई ज़मीन पे रखें तो वो खुद जिंदा रह सकता? मतलब उसके अंदर पूरा एक सिस्टम मौजूद है वो सांस भी ले रहा होगा अगर उसे खाना मिल जाए तो उसे डाइजेस्ट भी कर लेगा मूव भी कर सकता है इफ ही हैज प्रॉपर लेग्स इफ ही हैव प्रॉपर लेग्स ठीक है तो डिपेंड करता है कौन सा मिस ब्रेन भी एक ऑर्गेनिज्म है नो ब्रेन इज एन ऑर्गन जस्ट ब्रेन इज एन ऑर्गन लेकिन अगर ब्रेन के साथ इंसान ऑर्गेनिज्म है जी वी आर ह्यूमन बीइंग्स आर द ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर पूरा सिस्टम मौजूद है सेल्स भी हैं हमारे अंदर मैम इसका सांस लेके कहां तक था ये मैंने बेटा मार्क किया हुआ है ठीक है प्लांट्स आर ऑर्गेनिजम्स एक पूरा इंडिविजुअल जो होता है ना दैट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन एनिमल्स जो है दुनिया में जैसे बटरफ्लाई है कोई स्पैरो है दे आर ऑर्गेनिजम्स ठीक है जी बेटा देना लाजमी है बिल्कुल एग्जांपल से तो समझ आता है आपको यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे दो ऑर्गेनिज्म की ह्यूमन बींग दे दो कोई प्लांट बॉडी लिख दो ठीक है डायग्राम बनानी तो चाहिए आपको बनाए डायग्राम्स भी यू हैव टू ड्रॉ दीज बहुत सिंपल है ये चलिए जी टाइम इज गेटिंग शॉर्ट अगर टाइम ओवर हो गया तो मतलब आप देख लो कि ये आज का काम था यू हैव टू डू टू क्वेश्चंस टुडे एक्सक्यूज मी मैम यस तानिया जो ऑर्गन से शुरू आ रहा है उसका आंसर जरा फिर से बता दे ऑर्गन वर्क टुगेदर वाला यहाँ से डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू मेक ऑर्गन यहाँ से ये देखिए ये मुझे पता है अच्छा ऑर्गन सिस्टम पूछ रहे हो आप ऑर्गन सिस्टम पूछ रहे हो दानियाल ये यहाँ से है ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब्स देन अ सिंगल ऑर्गन इज एबल टू डू यहाँ तक करने के बाद आप जस्ट यहाँ तक करें पूरा एक पैराग्राफ है Then just give the names of these organ systems, digestive system and circulatory system. बस डिटेल नहीं देनी आपने उसकी क्लियर The digestive system and circulatory system. Yes, these are the examples. मैम हेडिंग देनी है किसकी ये जो पैराग्राफ है जी ऑर्गन सिस्टम की हेडिंग आएगी हेडिंग तो सबकी आ रही है साथ साथ ओके चाय डाल के दो ठीक हो गया स्टूडेंट्स बेटा डोंट वरी ग्रेड सिक्स व्हेन वी विल गो इन स्कूल व्हेन वी विल गो इन स्कूल जी फूड तक है फिर उसके बाद एग्जांपल है एग्जांपल यही आ गई ना स्टमक वाली फूड वाली एग्जांपल ही है ना इसकी स्टूडेंट्स आप परेशान ना हो व्हेन वी विल गो टू स्कूल आई विल अगेन एक्सप्लेन ऑल दीज क्वेश्चंस हम रिविजन्स भी करेंगे बहुत सारी बिफोर फर्स्ट चेक पॉइंट तो तब मैं आपको दोबारा से इनको बता दूंगी हाउ टू राइट इट डाउन अगर किसी का कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है ना डोंट वरी अबाउट इट मैम क्या मतलब आपको पता है कि ये पक्का खुल जाएंगे इंशाल्लाह देयर आर टू मेनी स्टूडेंट्स लीव द क्लास फोर स्टूडेंट्स लीव द क्लास व्हाई इनको बता दो आई विल I will not mark their attendance. I will cut their attendance. इनको बता दीजिएगा students. ठीक है अपने friends को. Okay ma'am. बताइएगा who has left. I will
कट देयर प्रेजेंट मैंने प्रेजेंट मार्क की हुई बट आई विल राइट देम एज एब्सेंट ओके जी स्टूडेंट्स टाइम इज अप नाउ आफ्टर वन और टू मिनट्स पीरियड विल बी ओवर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन डू आस्क नो मिस ओके स्टार्ट यू कैन कंप्लीट योर वर्क नाउ I didn't remember. Okay. Send your work on my personal number, just. इस ग्रुप में ना सेंड करें. No, no. ग्रुप में कभी किया? आपने सेंड वहाँ तो आप सब कुछ सेंड भी नहीं कर सकते. You can't send message on the group. मैं मुझे लगा कि आपने सेंड किया ग्रुप में. No, no. On my personal number. इसे ये स्कूल वालों ने ऐसे क्यों किया कि सिर्फ एडमिन मैसेज कर सके बेटा वो फिर बहुत ज्यादा द चैट थी ना इस वजह से वहां पे जस्ट ऑफिशियल मैसेजेस ही आ सकते हैं आपको कोई बात पूछनी है यू कैन आस्क टू अस इफ यू हैव सम इश्यू यू कैन आस्क हर जगह पे बहुत से पेरेंट्स को बहुत सी कंप्लेंट्स होती है हमें भी आपसे बहुत सी कंप्लेंट्स होती है आपको हमसे होती है ये तो कॉमन है इट्स नॉट अ बिग इशू लेकिन बच्चों को नहीं टीचर्स चाहिए It's a human behavior. ये तो natural बात होती है ना हर कोई दूसरे से complete happy तो नहीं होता ना ये बात भी है हाँ जी तो ऐसे